नमस्कार। उड़ान AIS अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य और उत्तर लिखने की जो शैली है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा पेपर 6 भाग 2 समाजशास्त्र, यहाँ पे हम समाजशास्त्र से जुड़े कुछ प्रश्न है उनको लिखने के तरीके और कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन है अर्थात आपको 30 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, नारीवाद को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ आपको शब्द इसका अर्थ ही समझना है कि वाद क्या होता है। वाद का अर्थ होता है कोई विचारधारा और नारी अर्थात नारी से संबंधित समाज की कुछ ऐसी मूल विचारधाराएं जो स्त्री और पुरुष इनके मध्य असमानता दर्शाती है या उनके मध्य की जो परिस्थितियां हैं उसको उच्च या निम्न स्तर पर डाल देती हैं। तो अपन दो नंबर का प्रश्न आता है, 30 वर्ड में आपको लिखना है नारीवाद। वाद अर्थात होता है कोई विचारधारा और इस विचारधारा का संबंध है सीधे नारी से, अर्थात नारी की समाज में जो स्थिति है। स्थिति में पुरुष समाज या पुरुष प्रधान जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज में नारियों की स्थिति कहीं ना कहीं उनसे निम्न ही रही है, अतः उनमें जो अंतर या असमानता है इसको खत्म करने वाले वाद या विचारधाराओं को हम बोलते हैं नारीवाद। अब इसमें तीन प्रमुख तत्व आपको इंक्लूड करने हैं या बातें आपको इसमें जोड़नी है। एक है स्त्री सशक्तिकरण, दूसरी चीज है स्वायत्तता जहां पे महिलाओं को नैतिक स्वतंत्रता दी जाए, और तीसरा है सार्थक जुड़ाव अर्थात सार्थक रूप से पुरुषों के पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की जो स्थिति है उनके जो कार्य है वहां पर नारियों को भी समान रूप से काम करने या अवसर प्रदान करना। तो ये हो गया अपना नारीवाद। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं अपन वर्ण, ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको ये 30 वर्ड की ही लिमिट होगी। वर्ण आपको सीधे बताना है कि वर्ण जो है एक्चुअल में इसका शाब्दिक अर्थ तो रंग होता है परंतु ये धातु ब्री से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। वर्ण करने का मतलब है कि समाज में कार्य या प्रकार्यात्मक आधार पे वर्ण कर लिया गया और उस आधार पे जो विभाजन हुआ समाज का वही कहलाता है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण से ही वर्ण व्यवस्था आई और समाज का चार प्रकार से विभाजन कर दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिनको प्रकार्यात्मक आधार पे अलग अलग कार्य सौंप दिए गए थे। प्रारंभ में ये जो था जन्म आधारित था, मतलब जो भी व्यक्ति जिस समूह या जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको कर्म आधारित माना गया। तो ये दोनों चीजें आपको अपने आंसर में डालनी है कि हमारा पुरातन जो था, पुरातन व्यवस्था जो क्या कहती थी और आधुनिक व्यवस्था में क्या किस रूप में है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी दो नंबर का है और ये भी आपको 30 वर्ड यहाँ पे लिमिट रहेंगे। तो यहाँ पे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र इसके बीच मुख्य अंतरों को बताने के लिए कहा गया है। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है ना, समाज का जो है उनकी मूल परिस्थितियों और अवस्थाओं में अध्ययन है, जबकि राजनीति शास्त्र जो होता है वो राजनीति अर्थात विधि या विधि से जुड़े तत्वों का अध्ययन करवाता है। तो ये आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो इसको डिफाइन करके और साथ साथ इसके अंतर। तो अंतर जो है समाजशास्त्र यथार्थता को बताता है, समाज में हम वास्तविक तथ्यों को उसी रूप में अध्ययन करके ही उसको शामिल करते हैं, मतलब यथार्थ या वास्तविकता होती है, जबकि यहाँ आदर्श होते हैं, प्रजातंत्र होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी चाहिए, है ना, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, ऐसे। तो ये यथार्थ नहीं होता बल्कि ये आदर्श होता है, तो दोनों में एक अंतर ये हो गया। समाजशास्त्र में इसके मूल तत्व तो विद्यमान रहते हैं, साथ साथ नैतिकता भी होती है, अर्थात मूल जो तत्व है वो तो रहते हैं, साथ ये भी माता पिता का सम्मान होता है और हमको करना चाहिए, ये भी रहता है। यहाँ पे ऐसा है इसके मूल तत्व करना चाहिए, होता है वाली चीजें नहीं आती, समय काल परिस्थितियां जो है वो राजनीति या राजनीति से जुड़े जो विषय है वहां बहुत सारे परिवर्तन भी कर सकती है। समाज में राजनीति जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे हमने देखा था खाप पंचायत है ना, या जाति बहिष्करण के लिए जो जाति पंचायत, इस तरीके की व्यवस्थाएं समाज में, तो समाज में राजनीति है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से छोटे मोटे चीजों को लेके सामाजिक दंड, बैठक, जाति से बाहर बहिष्करण, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि राजनीति में सामाजिक तत्व जो है ये अस्थायी है, अस्थायी है मतलब अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे गुट एक हो जाते हैं, दल बदल लेते हैं या साथ में आ जाते हैं, कब, एक सीमित स्वार्थ तक की ही रहते हैं, सीमित स्वार्थ जो है उनका खत्म हुआ और फिर से वो, तो उनमें सामाजिक तत्व अस्थायी आते हैं, अस्थायी रूप से होता है और बाकी चीजें
समाप्त हो जाती है, फिर कुछ समय बाद के लिए ही रहता है, उस समय तक ही रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं समिति। समिति की विशेषताएं, तो मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं इसमें आपको सीधी व्यवस्थाएं ही डालनी है, क्या विशेषताएं होती है उसको, और कोशिश कीजिए कि आपको जब दो विशेषताएं बोला है तो दो विशेषता तो आप लिखोगे, साथ में उनकी कुछ अन्य विशेषताओं को जो है परिभाषित करके उसमें इंक्लूड कर दीजिए अपने आंसर में। जैसे समिति की अधिकांश विशेषताएं मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी कि विचार पूर्वक अस्थायी प्रकृति का एक ऐसा मूर्त समूह है जिसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, उसको हम समिति कहते हैं। आप तीन चार विशेषताएं यहां डाल दीजिए, उसको सामने में दिख जाएगा, या तो इस तरीके से आप एक बॉक्स या डिब्बा या ऐसा कॉलम बना के वहां पे आंसर यहाँ डिफाइन कर दीजिए, यहाँ दो और उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। इसके अलावा जो अन्य आपको लगते हैं वो विशेषताएं यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। ये भी दो नंबर का है, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपको जोर नहीं देना है, लेकिन आपको मूल तत्व या मूल बातें या मूल चीजें जो है, जो रिक्वायरमेंट है उस प्रश्न की, प्रश्न जो आपसे मांग रहा है कि जानकारी उसको क्या चाहिए, आपको वो जानकारी वही देनी, घुमाना फिराना नहीं है। कम शब्द में अच्छे नंबर और सरल तरीका है ये आपका क्वेश्चन बनाने का। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं। तो सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं, इसके लिए भी मैं आपको एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि इस तरीके से कोई लैंडमार्क टाइप का बना लीजिए, उसमें आप डिफाइन कर दीजिए और विशेषताओं को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको एक या दो, कम से कम अगर दो नंबर के हैं तो दो कम से कम आप लिखिए, और मैंने पहले ही बोला कि कुछ विशेषताएं जो है उनको आप उसके इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। संपर्क और सहयोग और साथ ही पारस्परिकता भी देखने को मिलती है, कहां, सामाजिक समूह में। समन्वय और सामान्य नियम व्यवस्था होती, कोई विशिष्ट नियम नहीं होते, तो ये इनकी विशेषताओं के रूप में यहां आप शामिल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। तो समाज का अलग अलग स्तर में अलग अलग आधारों पर विभाजन या उच्च और निम्न के क्रम में विन्यस्त होने की प्रक्रिया को ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो विभाजन तो होता है, साथ ही साथ टूट जाते हैं, समाज टूट जाते हैं एक उच्च वर्ग में एक निम्न वर्ग में, एक स्तर के रूप में विन्यस्त हो जाते हैं, इनका क्रम बन जाता है कि कोई उच्च हो जाएगा कोई निम्न। अब इसके अलावा इसमें आपको आंसर में ये भी डालना है कि भाई हमने विभिन्न आधार तो लिए, तो विभिन्न के साथ साथ कुछ आधार तो दें, कि दे दिया शिक्षा, आय, लिंग, जन्म, इनके आधार पे एक दो और साथ में एग्जांपल भी आप लिखते चले जाइए, है ना। या आप इस तरीके से फ्लो चार्ट जैसा बना के इसके प्रमुख आधार इस तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट में या आपके आंसर के प्रारंभ में इस चीज का भी उल्लेख बिल्कुल कर दे कि जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक सबसे वृहद या व्यापक स्वरूप है जो हम प्रतिदिन के अपने दैनिक जीवन के सामाजिक व्यवस्थाओं में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अपन, धर्म के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो धर्म यहां पर भी आपको शुरुआत में ये परिभाषित करना पड़ेगा कि धृ धातु धारण करना ये होता है धर्म, विशेष किसी प्रकार के प्रकार को धारण करना ही या सामान्यीकृत करके उसको अपनाना ही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। सामान्य, विशिष्ट और आपद्य धर्म, इसके स्वरूप अलग अलग देखने को मिलते हैं। दूसरा तरीका यह कि आप इस तरीके से यहाँ पे आप परिभाषा दे दें और उसके बाद इसकी विशेषताएं जो है या प्रकार जो सॉरी प्रकार जो है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे कि ये समाज में एक रूपता या सामाजिक एकबद्धता लाता है, समाज विरोधी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर रोक लगाता है, समाज या मानव कल्याण से जुड़ा होता है और सामूहिक प्रकृति होती है ना। एक प्रकार को धारण करने वाले जो भी धर्म है उनमें इन लक्षणों का मिलना जरूरी है, या उनका कार्य ही यही होता है, वो धर्म से जुड़ना ही इसलिए चाहते हैं ताकि उनमें एक कहीं ना कहीं एकजुटता रहे या जो समाज से विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनका समाधान हो सके। सामाजिक अनुसंधान का महत्व, ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4 मार्क्स के होने चाहिए और इसके लिए वर्ड लिमिट जो होगी 60 वर्ड की होगी, ठीक है ना। तो सामाजिक अनुसंधान है ना, सोशल रिसर्च, इसके ऊपर है क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है या उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसके महत्व को आप चाहे तो सीधे लिख दीजिए कि सामाजिक अनुसंधान जो है जिसमें हम वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके समाज से जुड़े तथ्यों और सूचनाओं को संकलित करते हैं या उनके आंकड़े जो है प्राप्त करते हैं, है ना। तो समाज से जुड़े हुए जो भी प्रविधियां हैं उनसे हम ये सब चीजें ले लेते हैं। अब इनके महत्व की बात करते हैं,
है ना, आपको एक लाइन में अगर चाहो तो आप बता दीजिए, अन्यथा सीधे महत्व पे चले जाइए, और महत्व भी आप अलग अलग तरीके से, आप यहाँ बीच में लिख दीजिए सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान, आपको कोई बहुत वो ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान इसके महत्व, यहाँ पे एक महत्व लिख दीजिए और सीधे आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक महत्व यहाँ पे, एक कम से कम शब्दों में बहुत अच्छा और बेहतर करें, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, समाज से जो नवीन ज्ञान या तथ्य प्राप्त होते हैं, भाई रिसर्च करेंगे तो अपने को मिलेगा, ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी नवीन तथ्य या नवीन सूचनाएं या नवीन ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, किसी भी प्रकार के जो पूर्व के तथ्य हैं, है, उनसे हम अध्ययन कर सकते हैं या एक समाज का दूसरे समाज से कर सकते हैं, तो उनका हम तुलनात्मक, ये समाज क्यों अच्छा और ये समाज क्यों बुरा है, ठीक है। जो विरोधी तथ्य हैं या तत्व हैं उनमें सुधार संभव है, तथ्य संकलन के बाद ही कि स्त्री शिक्षा या बच्चों की शिक्षा या बच्चों या स्त्रियों या समाज में जागरूकता में कमी है, रूढ़िवादिता है, वो कैसे हट सकता है, तो पुराने अध्ययन करेंगे उसके आधार पे ही तो नए तत्वों को, तो अनुसंधान करके हम ये चीज भी उसमें कर सकते हैं कि पुराने तत्वों को रिप्लेस करें, उनकी जगह पे दूसरे नए और अच्छे सकारात्मक न विरोधी तत्वों का सुधार कर सकारात्मक तत्वों को वहां पे हम स्थान दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर चार मार्क्स के हैं तो एक और, सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, इनका अध्ययन और समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं या उनके प्रयास किए जा सकते हैं, तो आप अपने आंसर को इस तरीके से बनाएं। अगर आपको और कुछ लगता है तो यहाँ ये ड्रॉ होता है तो ड्रॉ में आप यहाँ पर एक्स्ट्रा तत्व और आपको कुछ लगते हैं तो ऐड कर सकते हैं रिगार्ड टू पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। एक अगला टॉपिक आ जाते हैं, है ना, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सहयोग और प्रतिस्पर्धा, ठीक है, इसके बीच प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं दोनों सकारात्मक तत्व हैं, ठीक है ना। सहयोग जो होता है पूर्ण तरीके से सकारात्मक होता है, मींस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलता है, और प्रतिस्पर्धा जो होता है उसमें सीमित लक्ष्य या निर्धारित जो सीमित लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए जो उपलब्ध वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और नियमों के अधीन रहकर काम किया जाता है। तो एक एक लाइन में आप परिभाषित कर सकते हैं सहयोग, सहयोग क्या होता है आप ये परिभाषित कर दीजिए, ठीक है, सहयोग क्या होता है ये परिभाषित कर दीजिए कि सहयोग जो होता है एक या एक से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात आ जाती है, मिलकर प्रयास करते हैं और मिलकर प्रयास जो किया जाता है उसमें नुकसान या हानि किसी की भी नहीं होती, अगर एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को कुछ भी नहीं होगा या दोनों को फायदा होगा, तो ये हो जाता है सहयोग। दूसरी बात यहीं पे आ जाते हैं, अगर बात करें प्रतिस्पर्धा के तो प्रतिस्पर्धा को भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रति मतलब होता है एक के लिए, एक इसका अर्थ होता है स्पर्धा, एक के लिए स्पर्धा अर्थात, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई सीमित निर्धारित लक्ष्य जो है, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियमों के अंतर्गत प्रयास, तो प्रयास ये भी है दोनों होता है, परंतु यहाँ पे एक उद्देश्य, अब इसमें अंतर बोला हुआ है तो इसमें एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए सभी क्या करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर अंतर की बात करें, इसमें अगर बात करते हैं
तो ये एक सीमित लक्ष्य, सीमित लक्ष्य बोलने का मतलब ऐसा है कि लक्ष्य लक्ष्य जो होगा वो कम होगा, या जो मांग होगी वो कम होगी, सप्लाई जो है वो कम होगी, सॉरी सप्लाई जो है कम होगी और उसकी मांग करने वाले ज्यादा होंगे। मतलब लक्ष्य एक ही बचा है और इसको पाने वाले कई सारे लोग हैं, तब ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जबकि यहाँ लक्ष्य एक ही है और इसको मिलकर दोनों दोनों जो होंगे वो मिलकर साथ में प्रयास करेंगे यहां तक लाने का, या एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीमित लक्ष्य होता है, यहाँ पे नियम व्यवस्था नहीं होते, सहयोग आप कभी भी किसी भी समय, तो नियम व्यवस्था का महत्व तो नहीं है, जबकि यहाँ पे नियम आवश्यक है, नियमों के अधीन रहकर ही किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर जो नियम है उसी के अधीन रहकर ही ये प्रयास करना है, तो इसमें नियम व्यवस्था आवश्यक है, या नियम व्यवस्था के अनुरूप जो है अनुरूप प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सहयोग जो होता है यहाँ पे सभी के लिए संतुष्टिप्रद होता है ना, ये सभी के लिए संतुष्टिप्रद होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है ये केवल जिसको लक्ष्य प्राप्ति होती है उसके लिए संतोषप्रद होता है ना, जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले के लक्ष्य प्रापक जो होता है उसके लिए ही बस संतुष्टिप्रद है, बाकी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज से नकारात्मक उनमें भावना आती है, प्रतिस्पर्धा में जो जीता वही सिकंदर वाली चीजें हो जाती, तो ये अलग हो जाता है। ठीक है ना, बाकी इनमें जो अंतर था मैंने बता दिया आपको, लिखना कैसे वो भी बता दिया, और बाकी आपके ऊपर है, आपके आपके पास जो उस समय तथ्य उपलब्ध रहेंगे या आपको जो तथ्य याद आ रहे हैं आप एग्जाम में वो लिखेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बताने के हिसाब से दो तीन आपको बता दिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये 8 मार्क्स का है, मीन्स ये 100 वर्ड, इस पे आपको लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 100 शब्द। अब हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रम व्यवस्था की विवेचना कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने शब्द, जब तक किसी का नाम जस्टिफाई नहीं किया है कि मर्टन का सिद्धांत या और इसका सिद्धांत या किंग्सले का या ऐसा कोई नाम इंक्लूड नहीं किया है किसी भी समाजशास्त्री का, तो कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में ही बताने का प्रयास करें उसको। अब हिंदू समाज संगठन, सामाजिक संगठन, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक सामाजिक संगठन और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। तो सामाजिक संगठन समाज का एक संगठन रूप है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक साथ अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बना के रखे हैं, तो वो कहलाता है हमारा सामाजिक संगठन। अब यहाँ पे बात आ जाती है हिंदू की, हिंदू समाज में एक व्यवस्था पाई जाती है जिसको बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आपको सीधे बताना है कि हिंदू सामाजिक संगठन, हिंदू समाज और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक व्यवस्था पाई जाती है जिसको बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। ये आश्रम व्यवस्था जो है दो शब्दों से बना हुआ है, आ और श्रम। ठीक है, आ मतलब होता है पर्यंत, पर्यंत या तक, है ना, अंतिम तक, पर्यंत तक, ये हो जाता है। और श्रम का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। तो प्रयत्न किया जाएगा आजीवन पर्यंत या जीवन पर्यंत, ये प्रयत्न किया जाता रहेगा किस चीज के लिए, तो जीवन के जो लक्ष्य है या निर्धारित जो लक्ष्य है उनको पाने के लिए हमारे हिंदू सामाजिक संगठनों में इस तरीके की व्यवस्था का एक प्रयास किया गया है, ताकि वो क्या किया जाए, अपने मूलभूत जो लक्ष्य है, जो भौतिक दैहिक लौकिक पारलौकिक वाली जो व्यवस्थाएं हैं उससे प्राप्त, और अंतिम लक्ष्य इसका यही होता है मोक्ष प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति। अब इस मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे जीवन काल को 100 वर्षों में बांटा गया है ना, 100 वर्ष मान लिया गया और 100 वर्ष मान के 4 कालों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया गया। अब ये 4 भागों में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, तो पहला था ब्रह्मचर्य, इसको कहा गया ब्रह्मचर्य, अर्थात जीवन के जो शुरू के प्रारंभिक 25 वर्ष है उस समय तक किस चीज के लिए प्रयत्न करना, ब्रह्मचर्य का। ठीक है, ब्रह्मचर्य बने रहने का या ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। दूसरा गृहस्थ, तो गृहस्थ जो होता है उसके बाद के जो 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में जो है निर्धारित किया गया, यहाँ पे गृहस्थ में शामिल हो जाना विवाह, संतान उत्पत्ति और बाकी सब चीजों के माध्यम से प्रयत्न करना कि आप अपने इस जीवन में समस्त कर्तव्यों कार्यों का निर्वहन कर सके। तीसरी चीज आ जाती है वानप्रस्थ,
वानप्रस्थ जो होता है 50 से 75 साल के लिए कर दिया गया। इसमें अपने समस्त जो गृहस्थ और ब्रह्मचर्य वाली नियमों को पूर्ण करने के पश्चात आप वन में गमन करें, वन में जाकर इन सभी से मुक्ति पाने का और अपने मन को साधने का प्रयास करें, तो ये वानप्रस्थ कहलाता है। और चौथा जो है वो है संन्यास आश्रम, जहां पे सभी प्रकार के जो इससे पहले के जो सभी है ना धर्म अर्थ ये जो पुरुषार्थ होते हैं उन पुरुषार्थ को प्राप्त करने के पश्चात, पुरुषार्थ जो है उनको प्राप्त करने के बाद पुरुषार्थ में जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। तो ये इतनी चीजों को आप एक्सप्लेन कीजिए, आराम से 100 वर्ड्स में आ जाएंगे। ये आप चाहें तो अलग तरीके से ये कर सकते हैं कि आपने बना दिया इधर आश्रम व्यवस्था, किसने बताया कितने कालखंड, आप यहां लिख दिया आश्रम व्यवस्था 100 वर्ष मानकर 4 कालखंडों में, पहला कालखंड यहां लिख दीजिए, दूसरा यहां लिख दीजिए, तीसरा यहां लिख दीजिए, चौथा यहां लिख, आपके ऊपर है ना, जितनी अच्छे से आप जस्टिफाई कर लें उतना बेहतर आंसर आपका निकलेगा। इसमें बहुत अधिक तत्व भी नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है, सभी चीजें आप बचपन से स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है, या इस तरीके के प्रश्न आते हैं वो बहुत अच्छे आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं, 11वां प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान और इसमें वैज्ञानिक पद्धति और इसके प्रमुख चरण, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो पहले ये पता होना चाहिए सामाजिक अनुसंधान के, अनुसंधान अर्थात फिर से पुनः नवीन अपने तथ्य जो ज्ञान है उनमें नए तथ्यों का संकलन करके सुधार करना, रिसर्च है ना, ये हो जाता है। तो तथ्य सूचनाएं संकलन ये सब चीज किया जाएगा, तथ्य है सूचना है या उससे जुड़े जो भी बातें हैं उनको यहाँ प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए हम करेंगे वैज्ञानिक पद्धति, मतलब विज्ञान के द्वारा प्रमाणित जो पद्धतियां हैं उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति, जिसको विज्ञान भी स्वीकार करता है और कहीं कहीं ना कहीं इसलिए इस चीज को अपनाया जाता है ताकि यथार्थता ज्यादा रहे या वस्तुनिष्ठता अधिक रहे, नहीं तो अधिकांश अध्ययनों में हमको वस्तुनिष्ठता की समस्या। तो विज्ञान परक जो है जो शोध है इनको हम बल देते हैं, लेकिन ये किया क्यों जाए, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में है प्रमुख चरण है ना, तो हमको यहाँ चरण को ही स्पष्ट करने है। तो इसके प्रमुख चरण क्या क्या है, तो पहली चीज समस्या की पहचान, पहला स्टेप जो होता है समस्या की पहचान, तो हमको यही बताना पड़ेगा कि समस्या की पहचान क्या है। आप चाहो तो इसको एक फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, ऐसा बनाए समस्या की पहचान, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो यहाँ आप लिखे समस्या की पहचान। तो समस्या की पहचान में उदाहरण भी लेते चलिए, आप कोई एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, उसको यहाँ पे समस्या की पहचान कैसे की है, उसके तत्वों को कैसे हमने शामिल किया, उसको साथ साथ आप चलते जाएंगे। दूसरा आ जाता है यहाँ पे हम जो अध्ययन के लिए उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि उद्देश्य कौन सा, समस्या तो एग्जैक्टली पहचान ली, जैसे बाल विवाह है ना समाजों में है या दहेज प्रथा है कई समाजों में भी, तो दहेज प्रथा समस्या है कि विवाह समस्या है कि अधिक उम्र विवाह समस्या है कि दहेज में सामान देना समस्या है या सामान के बदले मूल्य देना समस्या है, तो आपको एग्जैक्टली समस्या जो है वो पहचानना पड़ेगा। अब उसके बाद इसके अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, और अध्ययन क्षेत्र का क्या करेंगे निर्धारण, भाई अध्ययन कहाँ करना है, हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पे वो चीजें देखने को मिले या वो प्रथा रीति रिवाज रस्म देखने को मिले। आप ऐसे समाज में जाते हो जहाँ पे दहेज प्रथा है ही नहीं, तो वहां पे दिक्कत है, तो हमको अध्ययन क्षेत्र का भी निर्धारण करना पड़ेगा और वहां पर उसके हिसाब से ही फिर हम आंसर वहां तथ्य संकलन करेंगे। पता चला जहां गए वहां पे कभी कभार होता है शादी, तो हमको बहुत टाइम वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा है ना, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा अध्ययन क्षेत्र डिसाइड करना पड़ेगा उस क्षेत्र का। तो समस्या पहचाने, समस्या जहां पे है, अब आपको गंदी बस्ती झुग्गी बस्तियों की समस्याओं का अध्ययन करना है तो आप वेल डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या शहर है वहां पे नहीं जाएंगे, आप झुग्गी बस्तियों में ही जाके उस चीज का निर्धारण करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला जो स्टेप है इसमें हुआ जाता है वो है पद्धति, अध्ययन पद्धति हमारी क्या होनी चाहिए, अध्ययन पद्धति क्या होनी चाहिए, तो इसका चुनाव करेंगे कि किस प्रकार का अध्ययन पद्धति लें, कि हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि जाके वहां साक्षात्कार करना है कि शेड्यूलिंग करना है या और जो दूसरी प्रविधियां हैं उसका, तो अध्ययन पद्धति कौन सी होनी चाहिए वो भी हमको पता होनी चाहिए कि सही तरीका कौन सा हो सकता है। हो सकता है अगर आप किसी जनजाति समाज में इसको अध्ययन करने गए तो वहां आपको घुसने ही ना दिया जाए, आपको वहां पे ठीक से तर्कसंगत आंसर ना दिया जाए, तो वहां पर ये भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे कि अध्ययन पद्धति हमारी क्या होनी चाहिए।
चौथे स्टेप में आ जाते हैं, तो जहां पर अध्ययन पद्धति के साथ साथ हमको जो तथ्य संकलन करना है, तथ्यों का संकलन है ना, और संकलन के साथ साथ अवलोकन, दूसरे शब्दों में हम अगर बोले तो इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। अध्ययन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन में क्या होता है जब आप कोई तथ्य संकलन करते हैं और साथ साथ अवलोकन भी, तो चेहरे के हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन, उनकी उत्तर देने की जो शैली है उसके आधार पर भी आप निकाल लेते हो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मतलब आपके जो भी तथ्य होंगे उनकी वस्तुनिष्ठता और बढ़ जाएगी। अब इन तथ्यों को जब संकलित कर लिए तो हम करेंगे इसका विश्लेषण कि कौन सा हमारे काम का है, विश्लेषण कर लिए, उसकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण और व्याख्या कर लिए, उसके पश्चात जब एनालाइज कर लिए कौन से तथ्य काम के हैं कौन से नहीं है, उसके बाद हम करेंगे इसका प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो अच्छा, प्रतिपुष्टि करने के पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी अपन जब इन स्टेप्स को शामिल करते हैं तो प्रतिपुष्टि करने के पहले उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। सामान्यीकरण करना भी एक इसी स्टेप में आता है ना, आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हम इसको सामान्यीकरण को। तो सामान्यीकरण क्या होता है, किसी भी नियम के अनुरूप वो है कि नहीं है उनको सामान्य कर लेना, काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हर समाज में काम करेगा कि नहीं, मतलब जनरलाइज कर लेना कि हमने एक समाज का अध्ययन किया, वहां की दहेज प्रथा का अध्ययन किया या वहां के दहेज के जो चीजें हैं रीति रिवाज उनका अध्ययन कर लिया, वो फिटअप होते हैं कि नहीं दूसरे समाजों में, उनमें जो है वो अनुकूल होते हैं कि नहीं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक समाज का अध्ययन किया वो बिल्कुल डिफरेंट है और बाकी सब जो और जातियां जनजातियां हैं उनके समाज की जो रीति रिवाज परंपराएं उससे मिसमैच हुआ है तो वो सामान्य नहीं होंगे, तो उसका सामान्यीकरण करना पड़ेगा या हमको करना पड़ेगा उसके कुछ रस्म। जैसे हमारे यहाँ विवाह की परंपराएं होती हैं तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे समाजों में लगभग परंपराएं सामान्य हैं, लेकिन कुछ में एक आध दो रस्म एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ में एक आध दो कम हो जाते हैं, ऐसे हैं। तो हमने जो जनरलाइज है जो सब में कॉमन मिलते हैं वैसे, तो यहाँ पे हमने कर दिया सामान्यीकरण। सामान्यीकरण करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब होता है क्रॉस वेरिफिकेशन, एक क्रॉस चेक करना या उसका एक फीडबैक ले लेना। तो प्रतिपुष्टि उसको दोबारा अगर जांचा जाए या दोबारा परखा जाए तो भी हमारा आंसर लगभग वही आए या नियर अबाउट वही आए तभी ये काम करेगा। तो यही कहलाता है वैज्ञानिक पद्धति और इसमें जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप आंसर अपना किस रूप में दे रहे हो। आप इसको फ्लो चार्ट बना सकते हो, मैंने बताया फ्लो चार्ट में भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो, थोड़ा सा ये जानकारी दे दीजिए उसके बाद तथ्यों को इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आया है 10 नंबर का और ये 125 वर्ड्स के आसपास आपको इसमें आंसर देना है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है ना, यहाँ पे दो है, एक है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है ना, तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने परिवर्तन लाया जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था क्या है, देखो जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति एक कास्ट जिसको हम बोलते हैं उसकी एक व्यवस्था है, व्यवस्थित क्रम है, हर जाति में उच्च निम्न और उनके उनके खुद सामाजिक परिस्थिति स्थिति में उनके उच्च और निम्न का जो निर्धारण है वो कहलाता है जाति व्यवस्था। अब इस जाति व्यवस्था में कोई निम्न स्तर पे था, कोई उच्च स्तर पे था, अब इस उच्च निम्न से उच्च होने या उच्च से निम्न आने या दोनों के एक स्तर पे आने या जातियों में जो विभेद है उनके कम होने या जाति, कोई जाति जो है बहुत आगे बढ़ गई, कोई जाति बहुत पीछे रह गई, तो ये जो परिवर्तन आए उनके लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या थे, ऐसे ऐसे कौन सी चीजें थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला और वो परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जाति व्यवस्था को बताना पड़ेगा, जाति व्यवस्था क्या है। अब जाति व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन, अब देखिए परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, एक तो सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक होगा, तो आपको दोनों के कारण को साथ में लेके चलना पड़ेगा परिवर्तन, लेकिन महत्व आपको सकारात्मक पहलुओं पे अधिक देना है। सकारात्मक होगा और दूसरा नकारात्मक होगा, ठीक है। और अब आप चाहो तो ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जिसमें आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, है ना, परिवर्तन जो हुए हैं समाज में, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवर्तन जो अगला सिद्धांत है उसका भी एक आंसर बनता है, उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो सकारात्मक परिवर्तन क्यों हुए, नकारात्मक परिवर्तन क्यों हुए, नकारात्मक बहुत कम हुए हैं लेकिन सकारात्मक जो है उनकी ज्यादा है। अब इसके लिए मेन फैक्टर जिम्मेदार कौन कौन से हैं,
तो पहला है आय के साधन, जो आपके बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो गए तो उन्होंने समाज और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया, नहीं तो समाज में बंधे थे। समाज के रीति रिवाज परंपराओं से जुड़े तत्वों में परिवर्तन हुआ, उन सब का कारण था शिक्षा। तो शिक्षा है शिक्षा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, इन सभी में बदलाव आए। मैंने कहा कि सकारात्मक थे कहीं पे नकारात्मक थे, तो इनके तत्वों को लेके आपको आंसर फिर देना पड़ेगा कि शिक्षा के प्रसार से क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, दोनों पहलुओं को शामिल कीजिए। लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में है तो सकारात्मक पहलुओं को पहले महत्व दीजिएगा। तो शिक्षा में क्या हुआ, खान पान में क्या हुआ, रहन सहन में क्या हुआ, संस्कृति में क्या हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, है ना, ये सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए थे जातियों से, है ना। पहले तो जातियों के कार्य भी निर्धारित हुआ करते थे, जाति के आधार पर उनके कार्य तय हुआ करते थे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जाति में जन्म लेने वाला वही कार्य करता था, तो परंतु वर्तमान की स्थिति में ऐसी कोई चीजें नहीं है। बनिया केवल व्यापार करे या कोई जाति विशेष का जो कार्य है केवल वही करे, आज की चीजें वो नहीं रह गई हैं, वो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। यही जो परिवर्तन है जिसका हमको वो आंसर चाहता है, तो हमको इसमें दोनों देने हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। अगर आप नहीं दे पाते हो, दोनों में कंफ्यूजन होते हो, तो आप सकारात्मक को ही वैल्यू दीजिए, हाँ, लेकिन लास्ट में एक चीज इंक्लूड जरूर कीजिए नकारात्मक उसके पहलू को और सुझाव के साथ, कि संस्कृति को कई सारी जातियों ने जो है ना अपने मूलभूत और रूढ़ी परंपराएं समझ के छोड़ दिया था, तो उसमें परिवर्तन नकारात्मक रूप से है, संस्कृति को त्याग दिया। जैसे घोटुल जैसी चीजें समाप्त होनी चालू हो गई, धूमकुरिया जैसी चीजें, युवागिरी जैसी चीजें वो समाप्त होनी चालू हुई। कई जो लोग थे साक्षर होने के बाद अपनी जाति के कुछ रीति रिवाज जो कहीं ना कहीं हमारे धरोहर के रूप में थे संस्कृति के, उनको उन्होंने अपनी हीन भावना के चलते त्याग दिया। तो ये कुछ कुछ थे नकारात्मक, उनको आप लास्ट में एक उपसंहार के रूप में इंक्लूड जरूर करेंगे आंसर में, उसको शामिल बिल्कुल कीजिए, है ना, वो आपके नंबर को बढ़ा देगा। और उसका सुझाव भी आप थोड़ा सा दे दीजिए उसमें, कि शिक्षा, स्वास्थ्य या दूसरे क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों से जो भी परिवर्तन आए हैं उन सभी को हटा के हमको अपनी मूल संस्कृति के तत्वों को या मूल तत्वों को बचा के रखना ही चाहिए, चाहे वो जाति व्यवस्था हो चाहे कोई भी दूसरी व्यवस्था हो, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का। तो सामाजिक परिवर्तन, सबसे पहले तो आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन आप यहाँ पे बता सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम, है ना, एक समय विशेष में, एक समय विशेष में किसी भी समाज की स्थिति, है ना, समाज की स्थिति दो होगी, एक जिस समय से हम काउंट कर रहे हैं और जिस समय तक काउंट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 1980 और अभी है 2022, तो हमने समय ले लिया 1980 से 2022, या हम बोल दिए कि 10 साल, पिछले 10 साल, उस 10 साल में पूर्व की स्थिति क्या थी, पूर्व की स्थिति मतलब 1980 में क्या थी, या 10 साल पहले क्या थी और 10 साल अब 1922 की स्थिति में क्या है। तो इस प्रारंभिक बिंदु से इस प्रारंभिक बिंदु में आने वाले अंतर को ही हम कहते हैं परिवर्तन, ये अंतर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। तो एक निश्चित समय में किसी भी समाज की स्थिति में आने वाले अंतर को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ समाज शब्द जोड़ना जरूरी है, अन्यथा ये केवल परिवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। तो एक निश्चित समय में समाज की स्थिति में आने वाले अंतर को हम परिवर्तन कहते हैं, जो कि सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे बात करता है इसके चक्रीय सिद्धांत की, तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं देना है। अगर आपको किसी का याद है, जैसे परेटो बोलता है या स्टिंगलर बोलता है ना, या जो भी एक दो अगर समाजशास्त्री के डेफिनेशन याद है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने शब्दों में बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे चक्रीय सिद्धांत, तो चक्रीय सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने दिया है ना, तीन तीन चार, स्प्रिंगलर का भी आता है, परेटो का भी आता है, तो आप परेटो का ही, क्योंकि वही सर्वमान्य था, तो परेटो का चक्रीय सिद्धांत जो है उसको यहाँ पे आप आंसर में डालिए। अब चक्रीय सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे एक जीवन चक्र चलता है, परेटो ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे एक जीवन चक्र चलता है, जन्म होती है, बड़ा होता है एक बच्चा, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वही चक्र चलता रहता है। या जैसे मौसम का चक्र चलता है, ग्रीष्म आती है, शीत आती है, बरसात आती है, फिर वो क्रम चलता रहता है कंटिन्यू, उनका एक चक्र चलता रहता है। वैसे ही
समाज में होने वाले परिवर्तन भी निश्चित रूप से चक्रीय रूप में चलते रहते हैं। एक दशा खत्म होती है, दूसरी आती है, दूसरी दशा खत्म होती है, तीसरी आती है, और ये परिवर्तन अंतिम में जाके फिर से अपनी वही पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसको उन्होंने फैशन के उदाहरण से बताया कि शुरुआत में मानव बहुत कम कपड़े पहनता था, फिर धीरे धीरे कपड़े बदले, फैशन बदला, और आज वर्तमान में फिर दशाएं ऐसी हो गई है कि वही अपने पुराने जो वस्त्र हैं या अपने मूल वस्त्रों में ही फिर से चले गए हैं। उसी तरीके के जो परिधान या वस्त्र जो होते हैं उस तरीके के। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जीवन का जो चक्र चलता है वैसे समाज में परिवर्तन का चक्र भी चलता है। इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा जिसमें इसका इनिशियल पॉइंट, ऑप्टिमल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट तीनों को। तो यहाँ पे कोई भी चीज चालू होती है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है और फिर एक टाइम आता है जब वो अपने सेचुरेशन या संतुष्टि या जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल, वहां पर पहुंचने के पश्चात ये वापस से धीरे धीरे इसमें गिरावट चालू हो जाती है। एक दशा फिर आ जाती है जो अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाता है, और न्यूनतम बिंदु पे पहुंचने के बाद फिर से वही प्रथा, रिवाज, रीति किसी दूसरे स्वरूप में वापस आती है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल जोड़ सकते हो। पुराने समय में एक व्यवस्था थी घोटुल जैसी, हमारे यहाँ कई सारे समाजों में चलती थी, मुर्गिया समाज में विशेष रूप से जाना जाता है, दूसरे समाज में इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन है ये युवागृह। तो युवागृह जैसी व्यवस्थाएं जो थी वो चली थी, धीरे धीरे समाज उसको मान्यता दिया, सांस्कृतिक रूप से संपन्न कहलाई वो जनजातियां, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आ गया क्योंकि साक्षर हो गए, कुछ लोग जागरूक हो गए, कोई अपने क्षेत्रों से निकल गया, कोई अपने समाज से बाहर चला गया या बाहरी क्षेत्रों में जाके बस गए, पलायन, प्रवसन, पृथक्करण, परसंस्कृतिकरण जैसी चीजें आई और ये बाहर चले गए, उस व्यवस्था को छोड़ दिया। वर्तमान में फिर उसी तरीके की व्यवस्थाएं, एक युवा गृह जैसी व्यवस्थाएं जो है फिर से लिव इन के रूप में चल रही हैं, या आजकल जो बड़े बड़े समारोह और ये होते हैं यहाँ पे एक साथ टाइम उनको स्पेंड करना, ऐसी कुछ प्रतिस्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं होती है, वहां पे लोग जाके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो चक्रीय सिद्धांत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस से वही व्यवस्थाएं फिर से आती हैं, ठीक है। तो इसी को इन्होंने बताया परेटो ने, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, अगर आप किताब में पढ़िए तो आपको चार पांच मिल जाएंगे। उसमें मौसम चक्र के सापेक्ष भी बता के दिया गया है, फसल की भी चीजें बता के दी गई हैं, परिधान वस्त्र फैशन की भी चीजें बताई गई हैं, सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े जो प्रथाएं हैं उनको भी बताई गई है, है ना। तो कहीं ना कहीं वही सब चीजें घूम के फिर से हमारे जीवन में आ जाती है और हमारे समाज में वो फिर से एक नए परिवर्तन के रूप में शामिल करता है। तो परिवर्तन के रूप में शामिल करने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि वो अपने मूल रूप में ही आ जाए, परिवर्तन जब होगा दूसरी बार या दूसरे चक्र में या एक समाप्ति के पश्चात जब दूसरे चक्र में वो चालू हो तो जरूरी नहीं कि उसका स्वरूप बिल्कुल वही हो जो मूलतः रहा हो, वो बाद में दूसरे या परिवर्तित स्वरूप में भी आता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रख के आंसर लिखना है, आपको ये समय, स्थिति और अंतर ये तीनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा कि एक समय विशेष में समाज की स्थिति परिस्थिति या दशाओं में आने वाले अंतर को ही हम परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो भी अंतर आ जाता है, जो भी बदलाव आ जाते हैं, जो स्थिति में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है उसको हम परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपके आंसर को अच्छा कर देगा। और यहाँ पे परेटो का ही अगर इस तरीके का पूछता है तो जो सर्वमान्य अवधारणा है उन्हीं को लिखिए। अगर ऐसा पूछ जाता है, यहाँ जस्टिफाई नहीं किया कि चक्रीय सिद्धांत किसका बताना है, तो आप चाहे तो एक एक लाइन में स्पिंगलर का भी बता सकते हैं और जो दूसरे हैं उनका भी बता सकते हैं, स्पेंसर का बता सकते हैं, स्पिंगलर का बता सकते हैं, परेटो का बता सकते हैं, तो तीनों का अलग अलग बता दें थोड़ा थोड़ा, या चाहे तो उनको कम वैल्यू देके जिसका सर्वमान्य है उसको आपको बताना तो है, सर्वमान्य जो है उनको आपको ज्यादा में बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अपने आंसर को लिखने में या उत्तर देने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहजता जरूर महसूस हुई होगी, या हो सकता है आपको आंसर लिखने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्गदर्शन इस हमारी इस प्रयास से या हमारी इस गतिविधि के द्वारा आपको उसमें सहयोग मिला होगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।